मैंने देखा है जो हम लड़के लोग होते हैं ना जो मेल जब एक रिलेशनशिप में आ जाते हैं तो हमारा ईगो एक नेक्स्ट लेवल पे चला जाता है जिसको आज आजकल मेल टॉक्सिसिटी कहा जा रहा है तो उसी पर एक कविता है उर्दू में जो ईगो के लिए वर्ड है वो है अना कि बड़ी अजीब परेशानी थी मेरी अना की ये कहानी थी मतलब मेरे ईगो की कहानी थी कि बड़ी अजीब ये परेशानी थी मेरी अना की ये कहानी थी वो जो मुकर गई थी ना जिसके लिए वो जो मुकर गई थी ना जिसके लिए मुझे भी बात वही मनवानी थी कि बड़ी अजीब परेशानी थी मेरी अना की ये कहानी थी वो जो मुकर गई थी जिसके लिए मुझे भी बात वही मनवानी थी कुछ फूल थे मुरझाए से कुछ फूल थे मुरझाए से उसकी फकत एक निशानी थी उसकी एकमात्र निशानी बची कुछ फूल थे मुरझाए से उसकी फकत एक निशानी थी भले नया नया वो कमरा था भले नया नया वो कमरा था कमरे में तस्वीर वही पुरानी थी <laughs> कि कमरे में तस्वीर वही पुरानी थी वो जो मुकर गई थी ना जिसके लिए मुझे भी बात वही मनवानी थी कि सिर्फ तुम हो सिर्फ तुम ही रहोगे ये सब लोग रिलेट करोगे इससे कि सिर्फ तुम हो सिर्फ तुम ही रहोगे कितनी झूठी ये कहानी थी कि सिर्फ तुम हो सिर्फ तुम ही रहोगे कितनी झूठी ये कहानी थी वो जो भूल गई थी ना जाते जाते वो जो भूल गई थी ना जाते जाते अरे बात वही तो याद दिलानी थी कि वो जो भूल गई थी जाते जाते बात वही तो याद दिलानी थी वो जो मुकर गई थी जिसके लिए मुझे भी बात वही मनवानी थी कि तस्वीरें देखते रहे हर वक्त उसकी सुनिएगा दादा तस्वीरें देखते रहे हर वक्त उसकी ज़िंदगी यूँ थोड़ी गंवानी थी कि तस्वीरें देखते रहे हर वक्त उसकी ज़िंदगी यूं थोड़ी गंवानी थी जलाई और जलानी पड़ी यादें सारी जलाई और जलानी पड़ी यादें सारी भाई हमको भी तो अपनी जान बचानी थी <गणागी> कि तस्वीरें देखते रहे हर वक्त उसकी जिंदगी यूँ थोड़ी गवानी थी जलाई और जलानी पड़ी यादें सारी भाई हमको भी तो अपनी जान बचानी थी वो जो मुकर गई थी जिसके लिए वो जो मुकर गई थी जिसके लिए मुझे भी बात वही मनवानी थी बात वही मनवानी थी अब ये जो आखिरी पंक्तियां मैं सुनाने जा रहा हूं मैंने अब तक जो कुछ भी लिखा है उसमें मैं अपनी सबसे बेहतरीन पंक्तियां इन्हीं को मानता हूँ ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है मैंने आज तक जो कुछ भी लिखा है उसमें कि वो बात आखिर अधूरी रही वो बात आखिर अधूरी रही कविताओं में जो उसे बतानी थी मैंने आज तक जो कुछ भी लिखा है उसमें मैं मुझे ऐसा लगता है मैं कन्वे नहीं कर पाया हूँ क्योंकि मैं कोई बहुत ज़्यादा उमदा शायर नहीं हूँ मैं भी कच्चा शायर हूँ कि वो बात आखिर अधूरी रही कविताओं में जो उसे बतानी थी वो बात आखिर अधूरी रही कविताओं में उसे बतानी थी हम तो कच्चे शायर थे भाई सुनिएगा कि हम तो कच्चे शायर थे भाई ये तालियाँ खुदा की मेहरबानी थी कि वो बात आखिर अधूरी रही कविताओं में जो उसे बतानी थी वो बात आखिर अधूरी रही कविताओं में जो उसे बतानी थी हम तो कच्चे शायर थे भाई हम तो कच्चे शायर थे भाई ये तालियाँ खुदा की मेहरबानी थी बड़ी अजीब परेशानी थी।, थी।, <सकत Hispanik> थी मेरी अना की ये कहानी थी अब आप सबको लास्ट में मेरे साथ में बोल रहे हैं कि बड़ी अजीब ये परेशानी थी मेरी अना की ये कहानी थी वो जो मुकर गई थी जिसके लिए वो जो मुकर गई थी जिसके लिए मुझे भी बात हुई